नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये लक्की बम्बू का केयरिंग टिप्स। ये इस तरह का लक्की बम्बू, ये जो पेड़ का बंच है ये मेरे पास करीब एक साल है और ये देखिए बिल्कुल स्वस्थ है और इसमें देखिए सारी टहनी इंटैक्ट है और इसमें अभी तक एक भी टहनी खराब नहीं हुई है। मैं एक एक करके आपको तरीका बता रहा हूँ, पांच बेस्ट टिप्स आपको बताऊंगा कि आपका भी लक्की बम्बू बिल्कुल सही रहेगा। लक्की बम्बू ऐसा एक प्लांट है कि इसको वैसे नाम लक्की बम्बू है, मैं आपको बता दूं कि ये बम्बू या बांस का कोई भी पोसी फैमिली का प्लांट नहीं है, ये ड्रेसिना फैमिली का प्लांट है, ये वाटर लिली ग्रुप का प्लांट है, ये चाइना के जो स्वाम्प एरिया होते हैं, पानी वाला एरिया उधर होता है ये। तो ये बांस के साथ या बम्बू के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये घर में सुख समृद्धि के लिए या विशेष करके आर्थिक समृद्धि के लिए लगाया जाता है, गुड लक प्लांट माना जाता है, ये बहुत ही अच्छा और ये फेंसिंग में इसका काफी महत्व है। तो मैं पांच टिप्स आपको बताता हूँ, ये पांच टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे खराब नहीं होंगे। मेरे पास और एक लक्की बम्बू का बांच है जिसमें एक दो टहनी खराब भी हो गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहला टिप्स, आप ये जो लक्की बम्बू का बंच है आप ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर बिल्कुल हवा आती रहे और इनडायरेक्ट धूप इसमें आती रहे, हमेशा उसमें हवा का चलन होना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये पौधा मेरा कहाँ लगाया हुआ है। ये खिड़की के पास इस तरह पर लगाया हुआ है, देखिए यहाँ से मेरे पास यहाँ पर तुलसी का पौधा भी, पेड़ भी है। ये जो लक्की बम्बू यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ से हवाएं आती रहती है। ये एक लक्की बम्बू का बांच मेरे पास और एक है जिसमें एक दो टहनी खराब हो गई है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये टिप्स आप रखिए, हमेशा हवा जहाँ पर हवा का आवागमन होता रहे खिड़की के साइड में, जहाँ पर हवा चलती है इनडायरेक्ट सनलाइट भी आती है, इस तरह की जगह पर आप रखना है। अगर आपकी हवा नहीं चलेगी तो पौधे में सड़न पैदा हो सकती है, उसमें फंगस लग सकता है, ये है पहला टिप्स। दूसरा टिप्स ये है कि अगर आप इसमें पानी डालना चाहते हैं तो इस तरह के आप यहाँ पर देखिए, आप आरओ का वाटर या फिल्टर को वाटर ले लें। फिल्टर को वाटर लेने के बाद आप फिल्टर का वाटर लेने के बाद आप इसको धो दें अच्छी तरह से। इसके बाद हम फिल्टर वाटर डालते हैं इसमें। अगर आपके पास फिल्टर वाटर नहीं है तब आप इसमें टैप वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन टैप वाटर को क्या करना है, आपको एक बाल्टी में पहले जमा कर लेना है इसको, टैप वाटर को 24 घंटे तक। उसके बाद जब क्लोरीन फुलीन उग जाए तो आपको मैं दिखाता हूं आपको टैप वाटर कैसे यूज करना है। इस तरह से आप टैप वाटर स्टोर करके रखिए करीब 24 घंटा बाल्टी में पड़ा रहेगा। उसके बाद इससे जो क्लोरीन है सारा उग जाएगा, सारा इवापोरेट होने का आउट हो जाएगा। इवापोरेट आउट होने के बाद आप इसका पानी लेके इसको यूज कर सकते हैं आप अपने लक्की बम्बू में। तो तीसरा टिप्स ये है कि अगर आपके लक्की बम्बू में कभी कभी देखिए ये पीला हो रहा है इधर, या अभी तक तो पूरा पीला नहीं हुआ, अगर पीला होता है आपका कोई कारण से, फंगस लगने से, बैक्टीरिया लगने से, तो आपको क्या करना है, साथ साथ उस जो स्टिक है वो स्टिक को निकाल के फेंक देनी है। आपको इसकी माया नहीं करना है, इस तरह से देखिए इसमें तो खराब नहीं है, अगर कोई भी खराब होता है साथ साथ आपको निकाल देंगे। कोई भी दवा ऐसी नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको वो जो पीला पड़ गया जो स्टिक है उसको आपको फिर से हरा कर सके, फिर से जिंदा कर सके। और ये होगा कि आप जब भी इस तरह का आप रख देंगे कुछ दिन, तो ये दूसरे जो टहनियां है सारी जो स्टिक है उसको सड़ा देगी, खत्म कर देगी। तो आपको वो टहनी जब भी आप देखते हैं कि थोड़ी सी गलने लग गई है, थोड़ी सी सड़ने लग गई है, थोड़ी सी ब्राउनिश येलोइश कलर की हो गई है, साथ साथ इसको निकाल के फेंक दें, बाकी जो स्टिक है वो सही रहेगी। चौथा टिप्स है कि आप फर्टिलाइजर क्या दें। बाजार में बहुत बहुत तरह के फर्टिलाइजर है लक्की बम्बू के लिए, बहुत तरह के बहुत कॉस्टली आते हैं, तो आपको कोई भी कॉस्टली कोई भी फर्टिलाइजर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं जो करता हूं मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरह के जो है एक डब्बे में मैं 100 ग्राम के करीब डीएपी रखता हूँ, डीएपी करीब 5 रुपये में आ जाते हैं। इस तरह के दो या तीन दाने आप इसमें डाल दें, इस तरह से यहां से डाल दें और ये करीब 10 दिन ये भूलेगा नहीं, 10 दिन तक ये इसमें रहेगा, उसके बाद 10 दिन तक इसमें यूज होता रहेगा और महीने में एक बार ये आप दाना डाल देंगे तो आपका चलता रहेगा। तो इस तरह का 5 रुपये के अगर डीएपी आप खरीद के ले आएंगे तो साल भर आपका चल जाएगा इस तरह के। अगर आपको स्प्रे करना है तो 19-19-19 या 20-20-20 टाइप का एनपीके आता है, तो इस तरह के एनपीके आप क्वार्टर चम्मच लें, क्वार्टर चम्मच लेके कोई भी स्प्रेयर में डालें। आपको मैं दिखाता हूँ ये 19-19-19 है और ये एनपीके मैं आपको डालता हूँ करीब आधा लीटर पानी में,
इसको डाला, और ये डालने के बाद मैंने 2 महीने में एक बार आप स्प्रे कर दे इस तरह से, पूरे पौधे को नहला दे। और कोई भी कॉस्टली खाद बाजार में ऑनलाइन में बहुत तरह के लक्के बम्बू के खाद आते हैं, कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं है। ये जो है वाटर आप इसमें पानी में भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, और इस तरह से आप स्प्रे कर दें। ये एनपीके इन 19-19-19 या 20-20-20 एनपीके यूज कर देंगे महीने में एक बार, तो आपका खाद का जो काम है कंप्लीट आपका पूरा हो जाएगा। पांचवा सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि अगर आपके यहाँ से फंगस लग जाता है, पीले पड़ जाते हैं आपके पत्ते और इसमें फंगस लग के अटैक हो जाता है इस तरह का, आपको फंगस का अटैक से बचाने के लिए आपको मैं बताता हूँ। आप थोड़ा सा पानी लें, उसमें आप डालें हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड कोई भी केमिस्ट शॉप में मिल जाता है, ये पानी जैसा ही होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, इसकी फॉर्मूला H2O2 है इसकी, और ये कोई नुकसानदायक चीज नहीं है बल्कि इसके काफी फायदे हैं प्लांट्स में। आप क्या करें, 1 चम्मच इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड ले, ये पानी में डालें इसमें, और इसको स्प्रे में लेके महीने में एक बार अगर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड से स्प्रे कर देंगे इसको, तो आपके जो पौधे हैं बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और इसमें कोई भी फंगस का अटैक नहीं आएगा। आपके जो पत्ते की जो स्टिक पीली पड़ जाती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं या फिर कोई भी इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन होता है पत्ते के, मैं तो क्या करता हूँ महीनों में एक बार हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्प्रे कर देता हूँ। ये पत्ते ये देखिए, ये स्टिक में पिछले 5-7 महीने में एक भी स्टिक खराब नहीं हुई इसमें, ये महीनों में एक बार आप स्प्रे कर दीजिए हाइड्रोजन परऑक्साइड से। तो ये 5 टिप्स मैंने बताया आपको कि आप ये 5 टिप्स फॉलो करें, ये लकी बम्बू मेंटेन करने के, ये 5 टिप आपके लिए बहुत कामगार साबित होंगे और आपके लकी बम्बू सालों साल चलता रहेगा। तो ये रहा 5 टिप्स। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माई पैशन हिंदी भाषा में नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह मैं वीडियो लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।